बजाज फाइनेंस से महिंद्रा फाइनेंस से फ़ोन आया है कि आपकी गाड़ी की किस्त नहीं भरी जाएगी 3 बजे तक, तो आपकी गाड़ी जमा करी जाएगी, सीज कर ली जाएगी, सीज करी जाएगी वो गाड़ी को, और कोई भुगतान होने के बाद भी वो गाड़ी दी जाएगी। सीओन साहब से मिले थे, उस दिन बोला था 7 दिन में पेमेंट आ जाएगा, आज 8वां दिन हो गया। उस दिन फाइनेंस वाले से ही बात करी थी, बोले 7 दिन का टाइम दिया था उन्होंने कि 7 दिन में पेमेंट आ जाएगा, आपकी किस्त आ जाएगी। आज से 8वां दिन हो गया, कोई पेमेंट नहीं है। तो आज आप वो किराएदार सारे गाड़ियाँ क्लोज कर रहे हैं घर पे कि आपका पेमेंट कब तक आएगा, हमारे को तो पेमेंट दो, कहीं से भी ला के दो। कमाने वाला एक हूँ, बच्चे बच्ची है, उनको क्या क्या करूँ। आज हड़ताल की है, ब्रेक लगा दी है गाड़ियों के सारे। 12 गाड़ियाँ हमारे एम्बुलेंस चालकों की लगी हुई हैं सीओ ऑफिस में कोरोना डिपार्टमेंट में। आदरणीय, हमारे यहाँ 6 महीने 7वां महीना चल रहा है सर पेमेंट के लिए, गाड़ी के लिए, और इसके अंदर 3 महीने का पेमेंट अभी 3 महीने का भुगतान हुआ है, और अभी चौथा महीना चालू हो गया सर, अभी तक हमारे को किसी प्रकार से संतुष्टि नहीं दी गई है पेमेंट के लिए। और इसी प्रकार से हमारी जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं वो सब फाइनेंस से टच में है, 3-3 महीने की किस्तें भी हमारी ड्यू हो रही है, घर का मेंटेनेंस भी अस्त व्यस्त हो रहा है। आदरणीय श्रीमान जी से आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हो रहे हैं। श्रीमान जी के पास भी जाके आए तो उन्होंने 3 दिन पहले ये कहा था कि आपके 1-2 दिन में काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक उस बात को भी आज 1 महीना होने को आया, 10 दिन हो चुके हैं, अभी उस चीज़ से भी हम संतुष्ट नहीं हुए हैं, ना सर हमारा पेमेंट आया है, और हर चीज़ से व्यवस्था हमारी बिगड़ी हुई है। गाड़ी का मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा है, बच्चों की लोकेशन को भी कंफर्म नहीं हो रहा है, ना गाड़ियों का मेंटेनेंस हो रहा है, फाइनेंस फ़ोन पे फ़ोन कर रहा है, इसीलिए हमने कल हमने अधिकारी महोदय को सूचना देने के बाद के अंदर आज हमने गाड़ियों के बिल्कुल ब्रेक लगा दिए हैं, और सभी गाड़ियां एक तिथि पे हड़ताल पे खड़ी हैं।